तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 19.2 क्वेश्चन नंबर 16 से। अगले क्लास में हम लोग समझ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 तक, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। आपका बुक चल रहा है कैसे सेना और लेक्चर आपका 5 है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x का इंटीग्रेट कीजिए। इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए पहले कुछ फॉर्मूला याद रखना होगा। तो 1 प्लस कॉस 2a क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर a, 1 माइनस में यदि कॉस 2a रहता तो क्या हो जाता, 2 साइन स्क्वायर a ये हो जाता। तो यहाँ पे इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना 1 प्लस कॉस 2x, तो मैच कर गया, क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x dx। और ये जो रूट है ये रूट 2 पे भी जाएगा रूट 2, और कॉस पे रूट जाएगा तो स्क्वायर का रूट कैंसिल dx, रूट 2 कांस्टेंट है रह गया। कॉस का इंटीग्रेशन क्या कर सकते हैं, साइन x, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x, प्लस में c, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन ना अब हम लोग एक्सरसाइज 19.2 चल गए, तो सारे फॉर्मूला याद होना चाहिए इंटीग्रेशन का, जो हम लोग फॉर्मूला फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे 17 दे दिया है अंडर रूट 1 माइनस में साइन 2x, 1 माइनस में साइन 2x का कहा जा रहा है इंटीग्रेट कीजिए। तो ये 1 माइनस साइन 2x का इंटीग्रेट करने के लिए एक फॉर्मूला जानिए, साइन 2a, साइन 2a क्या क्या 2 साइन a इंटू कॉस a होता है, साइन 2a क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, और 1 का फॉर्मूला तो सभी जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया है 1 माइनस कॉस 2 साइन 2x, साइन 2x में कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो 1 का फॉर्मूला लगा दीजिए क्या, साइन स्क्वायर x प्लस में कॉस स्क्वायर x बराबर क्या 1, 1 का लिख दिए माइनस ये साइन 2x, साइन 2x यहां से ले लीजिए 2 साइन x इंटू कॉस x ए ले ली, और लेने के बाद यहां से क्या कर लीजिए फॉर्मूला बना लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए बन गया साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स के होल स्क्वायर dx। अब इस स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बच जाएगा साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, ए आ गया dx। अब इंटीग्रेट कर दे, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स प्लस में सी, ये आ गया आंसर। तो इसको चेंज कर दिए, 1 का फॉर्मूला यूज कर दिए, साइन का भी फॉर्मूला यूज कर दिए, और ये फॉर्मूला बना लिए, और ये आ गया स्क्वायर का रूट कैंसिल ए टर्म, इसका इंटीग्रेट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 कंप्लीट कर लिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए हम लोग यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा अंडर रूट 1 प्लस में साइन एक्स बाई 2, क्या दिया हुआ साइन एक्स बाई 2 का इंटीग्रेट कहा जा रहा करने के लिए। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन 1 और माइनस कॉस 1 प्लस कॉस रहता तो फॉर्मूला बनता है, लेकिन 1 प्लस साइन जैसे अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 बनाया उसी प्रकार से 18 भी बना सकते हैं, लेकिन इसको दूसरे तरीके चेंज कर लेते हैं, ये साइन को चेंज कर देते हैं कॉस में। तो साइन चेंज कैसे होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ये हम लोग सभी जानते हैं। अगर यहाँ पे 1 प्लस 1 कॉस ए रह गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थी, यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए रहा तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए होता है। तो ए क्या कह लेते हैं यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस में साइन को चेंज कह लेते हैं कॉस में, इतना बर इतना इतना बराबर भी इतना, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा के जगह पर एक्स बाई 2 है, एक्स बाई 2 डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दे थोड़ा सा, 1 प्लस में कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए समझे तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, इसका हाफ हो जाता है, यहाँ ए है तो यहाँ पे ए बाई 2 आ, तो इसका आधा क्या हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 4, इसका आधा क्या हो जाएगा पाई बाई 4 एक्स बाई 4 डी एक्स, और ए रूट जाएगा 2 पे और इस पे जाएगा कॉस पे, तो कॉस स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 4 डी एक्स।
अब इंटीग्रेट कर दीजिए, रूट टू कॉन्स्टेंट है रहने दीजिए। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन पाई बाय फोर माइनस में एक्स बाय फोर, और एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है मतलब इसके साथ क्या मल्टीप्लीकेशन, वन बाय फोर, तो वन बाय फोर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और प्लस में सी। अब ये नीचे वाला टर्म ऊपर चल जाएगा, माइनस में फोर रूट टू साइन पाई बाय फोर माइनस में एक्स बाय फोर और प्लस में सी। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 18। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, वन प्लस में साइन, वन प्लस में साइन के एक्स, इसका इंटीग्रेट करना। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट वन प्लस, साइन को ट्रांसफर कर लेंगे कॉस में, साइन को चेंज कर लेंगे कॉस में, कैसे, तो कॉस पाई बाय टू माइनस में के एक्स डी एक्स एक ट्रांसफर कर ले। अब यहाँ पे अंडर रूट वन प्लस, इस टर्म को समझ ले ए, तो वन प्लस कॉस ए, वन प्लस कॉस ए क्या लिख सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर, इस ए का हाफ होता है, इसका हाफ हो जाएगा पाई बाय फोर और माइनस के एक्स बाय टू डी एक्स। अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ए रूट दो पे जाएगा रूट टू, और इस पे स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, इसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाई फोर और माइनस में के एक्स बाई टू डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर जो रूट टू, रूट टू रहने दीजिए, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन पाई बाई फोर और माइनस में के एक्स बाई टू प्लस में सी। एक्स के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन है, माइनस में के बाई टू से डिवाइड हो जाएगा और प्लस में सी, एक टू उधर चला जाएगा तो माइनस टू रूट टू बाई के और साइन साइन पाई बाई फोर और माइनस में के एक्स बाई टू प्लस में सी। ये हो गया आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 19। अब समझते क्वेश्चन नंबर हम लोग 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट और सेकेंड सेम है, एक क्वेश्चन खुद बनाते एक क्वेश्चन आप लोग खुद बना लेंगे। तो 2 को बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट है, बच गया 1 माइनस में साइन 2x dx, इसका इंटीग्रेट करना। अब मैच कर रहा है तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए 1 माइनस, यदि यहाँ पे कॉस रहता तो फॉर्मूला मैच कर जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है साइन आ गया है, तो इस साइन को ट्रांसफर कर देंगे किस में, कॉस में। तो कॉस में कैसे करेंगे, कॉस 90 माइनस में थीटा, ये थीटा का काम कर रहा और ये डी एक्स हो जाएगा। तो साइन को चेंज कर ले किस में, कॉस में, साइन को चेंज कर ले किस में, कॉस में 90 माइनस थीटा से। अब ये हो जाएगा 2 1 बाई 1 माइनस कॉस ए, वन माइनस कॉस ए, वन माइनस कॉस ए, तो टू साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर, इसका हाफ होता है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा पाई बाई फोर माइनस टू एक्स बाई टू ए डी एक्स। ए टू टू कैंसिल, ये क्या लिख सकते हैं साइन, साइन ऊपर आएगा, साइन ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर पाई बाई फोर, टू टू कैंसिल माइनस एक्स डी एक्स। अब कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में कॉट पाई बाई फोर माइनस में एक्स प्लस में सी, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन माइनस वन, तो माइनस भागा देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ गया आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 का सकेल आप लोग खुद से बनाएंगे, ये एच डब्ल्यू रहा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट देखेंगे, करा 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेट कीजिए। ये सिंपल है, 1 माइनस कॉस एक्स यूज कर लीजिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 प्लस कॉस एक्स यूज कर लेंगे फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू एक्स डे, 2 टू कैंसिल, क्या साइन बाई कॉस को लिख सकते टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। कल के क्लास में हम लोग समझे थे कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट नहीं होता, तो इसको चेंज कर लेते हैं, टेन आ गया तो सेक में, तो इस टेन को चेंज कर लीजिए किस में, सेक में, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसको थीटा लेट कर दिए थे,
और अब इंटीग्रेट कर दीजिए। sec का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan sec स्क्वायर का tan x by 2 और x का इंडेक्स x के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन 1/2, तो 1/2 डिवाइड हो जाएगा। अब माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c, ये ऊपर आ जाएगा 2 tan x by 2 माइनस में x प्लस में c। क्वेश्चन नंबर हो गया 20 का फर्स्ट। इसी प्रकार से देखेंगे 21 का सेकेंड, सॉरी 21 का फर्स्ट और 21 का सेकेंड। करा cos x बटा 1 प्लस में cos x dx, इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बड़ा आसान है। इसमें हम लोग एक ऐड कर लीजिए और एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 प्लस में cos x dx एक कह लिए। अब यहाँ से डिवाइड कर लेंगे 1 प्लस cos x बाई 1 प्लस में cos x माइनस 1 प्लस में cos x dx, एक कैंसिल हो गया 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस cos x यूज कर लीजिए, 2 cos स्क्वायर x by 2 dx ये हो गया। तो यहाँ पे आ गया 1 minus 1 by 2, cos ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x by 2 dx, 1 का इंटीग्रेशन x minus 1 by 2, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन सभी जानते हैं क्या हो जाएगा tan x by 2 और x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन 1/2 डिवाइड हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो गया, 1/2 कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा x माइनस में tan x by 2 प्लस में c, ये आ गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 फर्स्ट और सेकेंड एक जैसा था। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे sec x बटा sec x प्लस tan x, इसका इंटीग्रेट करना है। इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए sec को चेंज कर दीजिए cos में, यहाँ भी sec को चेंज कर दीजिए cos में और tan को चेंज कर दीजिए sin by cos में, ये चेंज कर लिए और यहाँ से रहने देंगे, इसको कह लेंगे 1 by cos x, ये दोनों में एलसीएम दिख रहा है क्या ना cos x, तो 1 प्लस में क्या आ जाएगा sin, यहाँ तक ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लिए cos x तो आ गया 1 प्लस में sin x, cos x कैंसिल, तो क्या बच गया 1 प्लस में sin x। तो एक क्वेश्चन लौट आया आपका क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन नंबर बता चुके हैं यहाँ पे 20, इस ये 20 के जैसा, 20 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा बना लेंगे, साइन को चेंज कर लेंगे किस में कॉस में और फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 20 के फर्स्ट के मैच कर गया, तो 22 खुद बना लेंगे। अब 22 का देखते क्वेश्चन नंबर 23, 23 भी क्या कर रहा है यहाँ पे cosec x बटा में cosec x माइनस में cot x dx, तो इसका भी इंटीग्रेट आप लोग खुद कह लेंगे क्या, जैसे क्वेश्चन नंबर 22 किए वैसा ही 23। cosec को चेंज कर लीजिए 1 बटा sin में, cosec को चेंज कर लीजिए 1 बटा sin में, cot को चेंज कर लीजिए cos बटा sin में a dx, तो ये आ गया 1 बटा sin x बटा, एलसीएम दोनों में क्या है ना sin x एलसीएम है बाबू, तो यहाँ 1 माइनस में cos x बच जाएगा 1 माइनस cos x dx, cos x कैंसिल, तो क्या हो गया 1 माइनस में cos x, 1 माइनस में cos x dx। तो इसका तो फॉर्मूला होता है ना डायरेक्ट, इसका इंटीग्रेट कह लेंगे आप लोग खुद से बना लीजिएगा, तो 1 माइनस cos x क्या हो जाएगा 2 sin, ये आप लोग बना लेंगे sin स्क्वायर x by 2 dx और 1 बटा 2 sec ऊपर जाएगा sin ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x by 2, इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा cot x by 2 cot x by 2 प्लस में c हाफ और इसके x के साथ क्या गुना हाफ 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 कट जाएगा और यह आ जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 23। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 24। 24 क्या करा, अंडर रूट 1 प्लस में 1 प्लस साइन 2x dx बराबर रूट 2 साइन x प्लस a प्लस b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का वैल्यू फाइंड कीजिए और इसका इंटीग्रेट कीजिए और एक दूसरे से कंपेयर कर दीजिए। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट 1 प्लस
वन प्लस साइन आ गया, वन प्लस साइन का कोई फॉर्मूला नहीं होता कि साइन को किस में चेंज कर देंगे, कॉस में। तो कॉस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 90 माइनस में थीटा ए यूज करते हैं डीएक्स। तो साइन को चेंज के लिए किस में, कॉस में, कॉस 90 माइनस थीटा से। अब अंडर रूट, अब हम लोग इस टर्म को क्या समझ लेंगे, ए। अभी अभी हम लोग फॉर्मूला समझ चुके हैं कि वन प्लस कॉस ए, वन प्लस कॉस ए क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू होता है, और यहाँ पर इक्वल में क्या है, रूट टू साइन एक्स अब प्लस में ए प्लस में बी ए आ जाएगा, और वन प्लस कॉस ए, वन प्लस कॉस ए, वन प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू, इसका हाफ, ए का हाफ, तो इसका हाफ करेंगे तो पाई बाई फोर, और यहाँ पर इसका हाफ एक्स आ जाएगा, और डी एक्स बराबर में क्या, रूट टू साइन एक्स प्लस में ए और प्लस में बी ए आ गया। अब यहाँ से हम लोग ये रूट टू मतलब क्या ना, रूट मतलब रूट टू हो जाएगा, और ए स्क्वायर का रूट कैंसिल, तो मिल जाएगा कॉस पाई बाई फोर माइनस में एक्स डी एक्स इक्वल टू रूट टू साइन एक्स प्लस में ए प्लस में बी ए आ गया। और यहाँ से एक चीज ध्यान देंगे, रूट टू कॉस एक्स माइनस ए लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे अदला बदली कर दे तो मान में कोई चेंजेज नहीं होता, कॉस में एंगल को आपस में अदला बदली करते तो मान में कोई चेंज नहीं होता, क्यों, क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, इस कारण से। और रूट टू साइन एक्स प्लस ए प्लस में बी ए कह लिए, और रूट टू को रहने दीजिए, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस में पाई बाई फोर ए, कॉस का इंटीग्रेशन कह लिए साइन, और ए ए साइन अब प्लस में सी, और इक्वल टू में क्या है, रूट टू साइन एक्स प्लस में ए अब प्लस में बी। अब कंपेयर कर दीजिए, रूट टू साइन साइन और एक्स एक्स, ए के जगह पे क्या आ गया, माइनस में पाई बाय फोर, ए बराबर क्या, पाई बाय फोर, सी सी बराबर बी, तो सी बराबर बी, तो यहाँ वैल्यू फाइंड हो गया, ए का वैल्यू क्या, माइनस में पाई बाय फोर और पाई बाय फोर, और बी का वैल्यू क्या आ गया, बी का वैल्यू आ गया सी, यही तो फाइंड करना था। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 24, इस महीने वाला क्वेश्चन था ये 24। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 25 का, फर्स्ट ए करा साइन 3x साइन 5x, इस तरह का क्वेश्चन का इंटीग्रेट कैसे करते हैं, यहाँ पे साइन 3x और यहाँ पे साइन 5, दोनों का एंगल डिफरेंट है, तो इस तरह का एंगल का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए पहले बड़े एंगल को पहले लिखेंगे साइन 5x, फिर छोटे एंगल को लिखेंगे साइन 3x dx। तो साइन 5x इंटू साइन 3x, इसका इंटीग्रेट करने के लिए इसका हेल्प लेना पड़ेगा साइन ए इंटू साइन बी, इसमें फॉर्मूला होता है टू मल्टीप्लीकेशन और टू डिवाइड करना होगा, तो टू मल्टीप्लीकेशन टू साइन ए साइन बी बैठ चुका, तो फॉर्मूला पे इसको तोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस में कॉस ए माइनस में बी, अब माइनस में कॉस ए प्लस में बी और ए डी एक्स ए आ गया, तो लिख लेंगे वन बाई टू कॉस, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे टू एक्स, यहाँ पे करेंगे कॉस एट एक्स, अब फाइव थ्री और एट एक्स डी एक्स। अब वन बाई टू कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टू एक्स, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन, टू तक डिवाइड हो जाएगा, माइनस कॉस का हो जाएगा साइन एट एक्स, एक्स के साथ क्या है एट, एट डिवाइड हो जाएगा प्लस में सी, ए आ गया आंसर। तो साइन कॉस इस तरह से है, तो पहले बड़े एंगल को पहले लिख दिए, छोटे एंगल को टू मल्टीप्लीकेशन टू डिवाइड करते, तो ए फॉर्मूला पे मैच कर गया और तोड़ दिए, तोड़ने के बाद ए टर्म आ जाता, फिर इसका इंटीग्रेट, फिर तो आंसर ही है। तो क्वेश्चन नंबर 25, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 का सेकेंड है, 25 का सेकेंड करा साइन साइन 4x साइन 8x dx, इसका इंटीग्रेट फिर से इसी तरीके से, ये आपका एच डब्ल्यू हो गया साइन 8x इंटू साइन 4x dx,
तो इसका इंटीग्रेट आप लोग खुद कह लेंगे साइन का। तो साइन इसमें टू मल्टीप्लीकेशन और टू डिवाइड कर लीजिए और ये फॉर्मूला फिर मैच कर लेंगे और ये आंसर आप लोग खुद से बना लेंगे इसका इंटीग्रेटर। ये क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट और सेकेंड हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट कर रहा साइन 2x कॉस 3x का इंटीग्रेट कीजिए। तो पहले बड़े एंगल को पहले लिख देंगे कॉस 3x इंटू साइन 2x dx। तो ये देखिए तो ये फॉर्मूला मैच कर गया कॉस a इंटू साइन b, कॉस a इंटू साइन b, लेकिन टू मल्टीप्लीकेशन नहीं है तो टू डिवाइड और टू मल्टीप्लीकेशन ये कर दिए। अब इस फॉर्मूला पे तोड़ लेंगे और इसका इंटीग्रेट आप लोग खुद कह लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए और प्लस में बी और माइनस में साइन ए और माइनस में बी डी एक्स। अब तो इंटीग्रेट आप लोग कर सकते हैं, यस अब आसानी से कर सकते हैं। साइन ए हो जाएगा 5a और माइनस में साइन एक्स डी एक्स और ये आ गया 1/2। साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस में कॉस 5x और x के साथ जो डिवाइड हो जाएगा और साइन का माइनस माइनस प्लस में कॉस x प्लस 6। ये होगा क्वेश्चन नंबर 26। अब 26 का सेकेंड भी क्वेश्चन देखिए। 26 का सेकेंड क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लेंगे a साइन 3x और कॉस 4x dx है। तो पहले क्या कीजिए बड़े एंगल को पहले लिख दीजिए कॉस 4x और साइन 3x dx। इसका इंटीग्रेट करने के लिए 2 मल्टीप्लीकेशन और 2 डिवाइड और एक फॉर्मूला पे मैच कर गया तो इसका इंटीग्रेट आप लोग खुद से कह लेंगे। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 26 का सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 26 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 26 का थर्ड भी सेम है। 26 का थर्ड कर रहा है साइन 4x इंटू कॉस 3x। ये तो फिर सेम है, ये तो क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर फर्स्ट मैच कर गया। इसमें टू मल्टीप्लीकेशन टू डिवाइड, अब ये फॉर्मूला नंबर फर्स्ट यूज कर लीजिए और ये आ जाएगा। इसका इंटीग्रेट कह लेंगे एक क्वेश्चन नंबर 26 का 4। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 26 का 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 26 का 4 भी है। इसका 4 भी है क्या ना कॉस 2x इंटू कॉस 4x dx ए है। तो इसका इंटीग्रेट आप लोग कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये कौन सा फॉर्मूलाइज होगा ए वाला फोर्थ वाला। तो 2 sin a into cos b, इसको समझ ले 2 मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और 2 डिवाइड तो cos a cos b है, ये चल लेंगे। बड़े एंगल को पहले लिख दीजिए छोटे एंगल को बाद में। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 का 4 भी आप लोग कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट कह रहा sin 3x into sin x by 2 का इंटीग्रेट कीजिए। सिंपल है ना, ए आपका इस फॉर्मूला पे डायरेक्ट मैच कर रहा है, इसको साइन ए इंटू साइन बी समझ ले। इसमें टू मल्टीप्लीकेशन टू डिवाइड तो ए साइन ए इंटू साइन बी समझ ले और डी एक्स। अब फॉर्मूला यूज कर लीजिए तो टू साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है फॉर्मूला में कॉस। तो ए फॉर्मूले क्वेश्चन आप लोग खुद बना सकते कॉस ए माइनस बी माइनस में कॉस ए प्लस में बी और ए आ गया डी एक्स। तो ये आ जाएगा 1/2 कॉस, इसको करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम 2 तो 3 दूना 6 में एक्स घट जाएगा तो 5x माइनस में कॉस 3 दूना 6 एक साथ 7x बाय 2 डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर दीजिए हाफ को रहने दीजिए, कॉस का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा साइन 5x बाय 2, x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन 5/2 तो 5/2 डिवाइड हो जाएगा और माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन 7x बाय 2, x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन 7/2 तो 7/2 डिवाइड हो जाएगा और प्लस में c। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 a लिख लेंगे यहाँ पे 2/5 साइन 5x बाय 2 और माइनस माइनस ए लिख लेंगे 2/7 और साइन 7x के 7x बाय 2 अब प्लस में सी ए आ गया। अब यहाँ से 2 कॉमन लेके कॉन्स्टेंट को कैंसिल कर सकते तो ए 2 अब कॉमन ले लिए यहाँ पे 2 तो क्या हो गया ना कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 1/5 साइन 5x बाई 2 और माइनस में
वन बाई सेवन साइन और सेवन एक्स बाई टू प्लस में सी, ये आ गया टू टू कैंसिल, ये हो गया आंसर। एक क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट, 27 का सेकेंड क्वेश्चन नंबर आप लोग खुद से बना लेंगे। 27 का सेकंड, 27 क्या करा, 27 का फर्स्ट में साइन एक्स इंटू साइन सेवन एक्स पी एक्स, तो साइन एक्स इंटू साइन सेवन एक्स मतलब पहले बड़े एंगल को पहले छोटे एंगल को बाद में, तो फॉर्मूला ए वाला सेकेंड थर्ड वाला मैच कर जाएगा और उससे इंटीग्रेट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 27 का फर्स्ट कंप्लीट हुआ और सेकेंड भी। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट करा कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स का इंटीग्रेट कीजिए। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए पहले बड़े एंगल को पहले लिखेंगे और छोटे एंगल को और फिर बाद में अंत में लिखेंगे। ये आ गया कॉस एक्स डी एक्स, ये लिख दिए। तो यहाँ पे पहले कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी लेकिन टू रहेगा तब फॉर्मूला बनेगा, तो टू मल्टीप्लीकेशन टू डिवाइड, ये आ गया वन बाई टू, तो टू कॉस ए इंटू कॉस बी, इस फॉर्मूला से चल दे तो ए आ जाएगा कॉस ए प्लस में बी हम प्लस में कॉस ए माइनस में बी, और यहाँ पे क्या है ना कॉस एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। अब यहाँ लिख लेंगे वन बाई टू कॉस थ्री एक्स टू एक्स, क्या आ जाएगा फाइव एक्स प्लस में कॉस ए एक्स, यहाँ बच गया कॉस एक्स डी एक्स। अब इस कॉस को मल्टीप्लीकेशन कर देंगे वन बाई टू कॉस फाइव एक्स कॉस एक्स, अब प्लस में ए मल्टीप्लीकेशन करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब वन बाई टू इसका इंटीग्रेट करने के लिए फिर से कॉस ए कॉस बी बन चुका है, तो टू मल्टीप्लीकेशन टू डिवाइड, यहाँ भी टू मल्टीप्लीकेशन टू डिवाइड, तो ये हाफ हाफ क्या ना फिर से बार हो जाएगा, तो ए टू कॉस ए इंटू कॉस बी बन चुका, तो टू कॉस ए इंटू कॉस बी का क्या फॉर्मूला आ जाएगा कॉस ए प्लस में बी, तो फाइव एक्स प्लस में एक्स और माइ प्लस में कॉस फाइव एक्स माइनस एक्स, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इस फॉर्मूला से, और प्लस में टू कॉस स्क्वायर ए, टू कॉस स्क्वायर ए क्या फॉर्मूला होता है वन प्लस कॉस टू ए होता है, ए के जगह पर एक्स ए बी एक्स ए हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सोल्व कर ले वन बाई फोर, तो कॉस ए क्या आ जाएगा सिक्स एक्स प्लस में कॉस फोर एक्स प्लस में वन प्लस में कॉस टू एक्स और डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा वन बाई फोर कॉस का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा साइन सिक्स एक्स, एक्स के साथ जो मल्टीप्लीकेशन वो डिवाइड, और कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन फोर एक्स, एक्स के साथ जो मल्टीप्लीकेशन वो डिवाइड, और वन का इंटीग्रेशन एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टू एक्स, एक्स के साथ जो मल्टीप्लीकेशन को डिवाइड, और प्लस में सी, ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 28 का सेकेंड आप लोग खुद से बना लेंगे। क्या इसमें गिवन है कॉस टू एक्स कॉस फोर एक्स कॉस सिक्स एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन भी सेम प्रोसेस से बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट जैसा, बड़े एंगल को पहले लिख देंगे छोटे एंगल को बाद में, टू मल्टीप्लीकेशन टू डिवाइड, ये आपका एच डब्ल्यू रह गया, ये खुद से बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 29, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 29, इसका इंटीग्रेट करना है, तो साइन स्क्वायर एक्स आ गया और यहाँ पे कॉस एक्स, इसमें कोई फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा, तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला तो हम लोग अगले क्लास में पढ़ ही चुके हैं, साइन स्क्वायर ए का वन माइनस कॉस टू ए बाई टू, और यहाँ पे यूज कर लेंगे वन माइनस में कॉस टू एक्स बाई टू, और इंटू में क्या ना यहाँ पे आ गया है कॉस टू एक्स डी एक्स, इस टू कॉन्स्टेंट है बाहर कर देंगे और ए बन गया वन माइनस में कॉस टू एक्स इंटू ए कॉस टू एक्स डी एक्स वन बाई टू, इस कॉस टू एक्स को मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए
कॉस 2x माइनस में यहाँ पे क्या आ गया कॉस स्क्वायर 2x dx। तो ये भी हम लोग जानते हैं कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2a बाय 2। तो यहाँ पे हाफ रह गया कॉस 2x माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए क्या समझ सकते हैं, 1 प्लस में कॉस 2a बाय में 2 dx, और ये हो जाएगा 1 बाय 2 कॉस 2x माइनस में 1 बाय 2 माइनस में कॉस 4x बाय 2 dx। अब इंटीग्रेट कह लेंगे 1 बाय 2, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x, x के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन 2 डिवाइड, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू x, अब माइनस में कॉस का इंटीग्रेशन साइन 4x, x के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन 4 डिवाइड हो जाएगा इनटू 2 प्लस में c, और इसको लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 2x बाय 4 और यहाँ पे x बाय 4 और यहाँ पे आ जाएगा साइन 4x, साइन 4x और 8 दुनी 16, 16 दुनी 32, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, ये आ जाएगा प्लस में सी। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 29।